माय डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में रे क्या होता है हम देखे थे। रे क्या होता है कि जिस पाथ में लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, लाइट एक एनर्जी होता है, वेव होता है, तो जिस पाथ में लाइट एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम रे बोलते हैं। रे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है। फिर हम देखे थे कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। एक लाइट रे एक मीडियम से आ रहा है और वही मीडियम को रिटर्न कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है। आज हम रिफ्लेक्शन का डिफरेंट कॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, आप लिखिए डिफरेंट कॉज, हेडिंग कीजिए डिफरेंट कॉज इन रिफ्लेक्शन, डिफरेंट टर्म्स इन रिफ्लेक्शन। ओके, मैं जो बता रहा हूं देखिए, पहले नंबर वन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंबल होता है आई। आई देखिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, ये मिरर है, एक प्लेन मिरर हो सकता है, एक कर्व मिरर भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। यहां से एक इंसिडेंट रे आया, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, मैं आईआर इसको लिख रहा हूं। इस पॉइंट में फॉल हुआ, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट में ये सरफेस के साथ में नॉर्मल रोल है, नॉर्मल रोल। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं बोला नॉर्मल का इस तरफ एक तरफ इंसिडेंट रहेगा और नॉर्मल का दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रहेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे को मैं डबल आरो दे रहा हूं। मान कीजिए इंसिडेंट रे को हमेशा हम सिंगल आरो देंगे, रिफ्लेक्टेड रे को डबल आरो देंगे, सो दैट हम जान पाएंगे कि डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये बीच में एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहां पर ड्रॉ हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वैसे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझ गए मेरी बात, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन बोलिए इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेफिनेशन लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर मैं ड्रॉ किया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ये फिगर बनाई, फिगर बनाई एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई सी बोल दे, ये फिगर बनाई। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस यानी कि पॉलिश सरफेस, पूरा पॉलिश्ड सरफेस मिरर जैसा। इंसिडेंट रे को आई आर लिखिए, सिंगल आरो दीजिए और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल ड्रॉ कीजिए जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, और रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दीजिए। ओके, तो अभी सेकंड पॉइंट में लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, हेडिंग कीजिए।